इंस्टाग्राम थ्रेड्स अब अवेलेबल हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी अब तक आपको अपनी एप्लीकेशन में मिल चुका होगा। वैसे आप इसे मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है, फ्रीलांस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको थ्रेड्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं इंस्टाग्राम थ्रेड्स क्या होता है, आप इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम थ्रेड्स ये पूरी तरीके से एक अलग एप्लीकेशन है जिसे हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाना है और थ्रेड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वैसे थ्रेड्स एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हैं कि अगर एप्लीकेशन की डेटा सेफ्टी हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती है। ऐसे में अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो इसकी डेटा सेफ्टी एक बार डिटेल में जरूर चेक करिए। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। वैसे आगे जाने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। ये जो एप्लीकेशन है ये अलग एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से कोई भी आईडी या अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वही इस एप्लीकेशन में सिंक होगा और आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसी से आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड, इंस्टाग्राम थ्रेड्स प्रोफाइल का जो यूजर नेम है ये आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है तो इसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम भी चेंज करना होगा। नंबर थ्री, यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर बाय एनी चांस इंस्टाग्राम थ्रेड्स प्रोफाइल अगर आपको डिलीट करनी है तो इसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना होगा। सो याद रखिए, यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थ्रेड्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करते ही यहाँ पर आपको आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप एक से ज़्यादा इंस्टाग्राम आईडी यूज़ करते हैं और ऐसे में अगर आपको दूसरे इंस्टाग्राम आईडी से प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो इसके लिए स्विच अकाउंट्स को सिलेक्ट करना है और जिस आईडी से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आपको एक लॉगिन रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। अब ये लॉगिन रिक्वेस्ट आपको आपकी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। तो आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाना है और जो भी लॉगिन रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करना है, या फिर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है आप इसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ट्राई अनदर वे सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में एंटर किया है उस पर एक ओटीपी अवेलेबल होगा, ये ओटीपी आपको एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं आपका जो यूज़र नेम है ये देखने को मिल जाएगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर है इसे आप सेट कर सकते हैं या फिर आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बायो एंड लिंक आप ऐड कर सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, या फिर आपका जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम आईडी में जो भी बायो एंड लिंक है इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो प्रोफाइल है इसे पब्लिक या प्राइवेट सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। अब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में जो भी अकाउंट्स आप फॉलो करते हैं वो सारे अकाउंट्स आप डायरेक्टली यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे, साथ में सबसे लास्ट में ज्वाइन थ्रेड्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, इसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी थ्रेड्स प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और थ्रेड्स एप्लीकेशन आप यूज़ कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम थ्रेड्स प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम थ्रेड्स एप्लीकेशन जो है ये ट्विटर एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जहाँ पर आपको बहुत ही सिमिलर यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जिसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जाना पहचाना सा यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वैसे इंस्टाग्राम थ्रेड्स एप्लीकेशन के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।